हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज ब्लॉग शूट करने में काफ़ी टाइम हो गया और अभी फिलहाल दोपहर के बज गए हैं 2 और अभी गए थे मार्केट। और अभी गाइज हम लोग चल रहे हैं, हमारी वाइफ जो है खुशबू चल रही हैं, पोहा बनाएंगी और जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अलग ही, मतलब आप लोगों को पूरा वीडियो में दिखाएंगे कि पोहा कैसे बना रही हैं, सब कुछ बहुत ही बाकायदा दिखाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे ये खड़ी हैं और अभी हम लोग चलेंगे किचन में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोहा बनाएंगे। और आप लोग देखिएगा पूरा, मतलब एक एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आपको दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे बना रहे, कैसे कितना टाइम लगा, सब कुछ दिखाएंगे और क्या क्या उसमें मटेरियल डाला गया है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में बताइएगा कि कैसा ये, मतलब टेस्ट तो हम ही बताएंगे फिलहाल, बाकी सब कुछ कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलते हैं किचन में और पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और देखिए ये हमारा किचन है और गाइज अभी किचन बना हुआ नहीं, बना नहीं है। अब आपको दिखा देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही रखा गया है, ये सारा बर्तन और यहाँ पे पूरा ये सब सामान भी ऐसे रखा गया है। तो अभी गाइज किचन नहीं बना है तो जल्दी ही बन जाएगा। तो अभी ऐसे ही खाना यहाँ पे बनता है, पहले छत पे बनता था लेकिन अभी यहाँ पे बन रहा है। तो गाइज अभी देखिए पूरा यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है और हम अभी बैक कैमरा ऑन करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और बताइए कि पोहा कैसे बना और इसमें बहुत कुछ मटेरियल पड़ने वाला है और कुछ अलग ही स्टाइल में ये पोहा बनेगा। तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी देखिए यहाँ पे सब कुछ रेडी है और ये आप देख सकते हैं, ये प्याज है, ये आलू है, ये मिर्चा, ये धनिया और ये हरी मटर और ये चूड़ा है। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है। तो देखिए पहले यहाँ पे आलू की कटिंग होगी, आप लोग देखिए ये। तो पहले यहाँ आलू को बारीक काटा जाएगा, इसके बाद फिर धनिया प्याज और जो भी चीज़ें हैं तो सब कुछ काटा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे आलू कट गया है और ये अब प्याज काटा जा रहा है। अब प्याज को कटिंग बढ़िया से किया जाएगा कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये प्याज की कटिंग कुछ इस तरीके से की जाएगी। इसके बाद ये 2 मिर्चा काटा जाएगा, आपको मतलब जितना ज़रूरत हो सब मिर्चा काट सकते हैं क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है, इसलिए 2 मिर्चा काटा जा रहा है। और चूड़ा देख सकते हैं ये क्वांटिटी है चूड़े की और मटर भी यही है। इसके बाद धनिया का भी ये क्वांटिटी है। तो जैसे अगर आपका चूड़ा ज़्यादा है तो हिसाब से आप आलू, प्याज, धनिया, मिर्चा, अपना ये मटर भी सब कुछ अपना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मिर्चे की कटिंग हो गई है और अब धनिया को कुछ इस तरीके से काटा जाएगा। देखिए गाइस धनिया को भी बहुत बारीक काटा जाता है, तो अभी धनिया काट रही हैं। तो गाइज चूड़ा, मटर और ये मतलब सब कुछ आइटम मिला के बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और हाँ तब तक जो है, जब तक ये सब कुछ कट रहा है आप लोग लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। अगर और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ कटिंग अभी हो गया है। तो दोस्तों कढ़ाई देखिए भी हीट हो गया, अब इसमें जो है सरसों का तेल डाला जा रहा है और थोड़ा सा ये भी सरसों का तेल पक जाएगा। देखिए तेल हिसाब से थोड़ा सा क्वांटिटी में डालना है अपने हिसाब से समझ के। इसके बाद 2 मिनट जो है ये आलू को पकाना है और 2 मिनट मटर को भी पकाना है बकायदा, क्योंकि अगर मटर को नहीं पकाएंगे, आलू को नहीं पकाएंगे तो कच्चा रह जाएगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अभी सारा कुछ रेडी है। तो गाइज थोड़ा सा ये तेल हीट हो जाए, तो गाइज अभी देखिए तेल हीट हो गया है। अभी देखो इसमें प्याज डाला जाएगा, गाइज प्याज ये डाला गया और इसके बाद ये मिर्चा, धनिया सब साथ में डाला जाएगा, धनिया भी नहीं डाला जाएगा। तो ये प्याज हो गया और ये मिर्चा और बढ़िया से इसको पकाया जाएगा। तो गाइस अगर करीबन ये 2 मिनट लगेगा पकने में। तो गाइस अभी ये पक चुका है और करीबन यही 2 मिनट का टाइम लगा है। अब इसमें डाला जाएगा मटर, हरा मटर देखिए ये है, अब मटर इसमें डाला जाएगा और 2 मिनट करीबन मटर को पकाया जाएगा बढ़िया से। तो गाइस बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और इसके बाद देखिए अब आलू को इसमें पकाया जाएगा करीबन 2 मिनट के आसपास आलू और ये इसमें मटर भी पक जाएगा बढ़िया साथ में। गाइस आलू को मटर को पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर नहीं पकाएंगे बढ़िया से तो वो कच्चा लगेगा खाने में, थोड़ा अजीब टेस्ट आएगा। और ये बढ़िया से पका दिया जाए करीबन 2-3 मिनट का टाइम लगभग लगेगा।
तो गाइस अभी ये देखिए पक रहा है, इसको ढका गया है, तो कुछ टाइम इसको बढ़िया से पकाना है कुछ इस तरीके से ढक के। तो अभी ये थाली से ढक दिया गया है बढ़िया से पक जाए, क्योंकि गाइस पकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ऐसे बार बार में देख लेना है कुछ टाइम में, ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। हालांकि अगर तेल रहेगा बढ़िया तो जलने का चांस नहीं है, तो पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पक जाए, तो गाइस देखिए ये अभी पक चुका है बकायदा बढ़िया से। और अब इसमें देखिए ये मसाला कुछ इस तरीके से ये क्वांटिटी में डालना है, थोड़ा सा ये मसाला हो गया, और ये नमक अपने जैसा आपको टेस्ट चाहिए उस हिसाब से नमक डालना है बढ़िया से। और फिर गाइस इसमें देखिए धनिया भी डालना है, तो यही कोई करीबन इसको पूरा पकाने में लगभग 5 मिनट का टाइम लगा है। इसके बाद धनिया और ये मसाला नमक सब डाला गया है, अब इसको थोड़ा सा और पकाया जाएगा बकायदा। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं इसका लुक अब कैसा, मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अगर देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में यार वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो बस अब इंतज़ार है जल्दी से बन जाए और फिर खाया जाए। और देखिए इसको बकायदा इस तरीके से ढक देंगे और कुछ टाइम बढ़िया से पकाना है। और चूड़ा गाइस जो जब पक जाए तो चूड़े को थोड़ा सा भिगो के निकाल लेना है, और जब पक जाए तब पहले नहीं, अगर पहले आप भिगो देंगे तो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पानी मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो गाइस कुछ इस तरीके से हल्का सा भिगो के मतलब धुल के निकाल लेना है। और देखिए अब ये शायद पक चुका है, हाँ गाइस आप देख सकते हैं ये बकायदा बढ़िया से पक चुका है। इसमें चूड़ा को डालना है, तो गाइस ये देखिए पूरा अभी मिक्स करना है बढ़िया से। और ये मतलब ज़्यादा बस मुश्किल से 10 मिनट का काम है, ये 10 मिनट में एक आप बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मार्केट में जैसा लोग बनाते हैं पोहा, अच्छे खासे होटल में जैसा पोहा बनाया जाता है सेम वैसा पोहा आप घर पे कुछ इस तरीके से मात्र 10 मिनट में बना सकते हैं। और गाइस अभी आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखने में वाकई में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और इसमें बहुत सारा आइटम पड़ा है आप लोग देखे ही। और ये अब बन जाए तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो कुछ इसी इस तरीके से 2-3 मिनट बढ़िया से पकाना है। तो गाइस अभी देखिए फाइनली ये पूरा पक चुका है, अब गैस को बंद करना है, उतारना है, और अब बारी है टेस्ट करने की, तो इसको उतारना है। तो गाइस फाइनली पोहा बनकर रेडी हो गया है, और इसका ये फाइनल लुक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये इस तरीके से होटल में बनाया जाता है, देखिए देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप चलते हैं टेस्ट करते हैं और इसका टेस्ट आप सभी को बताते हैं। तो गाइस फाइनली पोहा बनके रेडी हो गया है, और अभी इसे टेस्ट करने की बारी है, जो कि गाइस देखने में वाकई में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जल्दी से फटाफट इसे हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है, और बहुत ही बाकायदा बना हुआ है तो हम टेस्ट करते हैं इसे। गाइस वाकई में बहुत ही अच्छा बना है, और एक चीज ध्यान देना है कि टाइम से पकाना है, ना तो ये आलू और ये मटर जो कच्चा रह जाएगा, और ये आलू मटर बहुत ही बढ़िया से पक चुका है और बहुत ही अच्छा बना है। तो गाइस आपको ये कैसा लगा देखकर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अभी छोटे सरकार मम्मी के पास हैं यार तो यही सारा वीडियो शूट कर रहे थे हम लोग, जो कि काफी टाइम से प्लानिंग था। तो फिलहाल खा लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस अभी देखिए हमारे छोटे सरकार यहाँ पर आ गए हैं और हम भी पोहा खा लिए हैं, और गाइस बहुत ही अच्छा लगा पोहा खा के, और आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और गाइस आगे आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन ब्लॉग वाले वीडियोस ऐसे मिलते रहेंगे। बाकी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, बाकी आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।